तुम्हें पता है कितनी याद आई तुम्हारी, तुम्हारे माथे पे, तुम्हारी नाक पे, यहाँ नीचे तुम्हारे गालों पे, मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरे गीत। अम्मी देखें, परदेसी चुड़िया की बहन भी आई है। इसे भी बचा लिया। खुश आमदीद, मैं नीले पर वाली हिरनी। अम्मी पर ये तो सुन नहीं सकती। पढ़ना लिखना तो आता है ना? हाँ मेरे बेटे। इसको भी सिर्फ पढ़ना आता है? वाह, इसका मतलब है कि कैलन भी हमारी तरह बहुत समझदार है। उसने कहा कि कैलन बहुत अच्छी बच्ची है। भाई खैरियत तो है? सब खैरियत है, बस कुछ मुसाफिर आए हैं। अली भाई खुशामदीद। तुम्हारी बहन है? मेरी बहन है कैलन। हीत, तुम्हारे ताहिर भाई के भाई फातेह। ईद की अम्मी का नाम नफीस। हाँ मेरा नाम। अम्मी मैं भी नफीस खाऊंगा। चलो भाई बहुत भूख लगी है, चलो अब अंदर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। अरे आओ तुम भी आओ। आओ भाई बहुत भूख लग रही है वरना बेहोश हो जाऊंगा। चलो जल्दी करो अंदर चलते हैं। तुम्हें क्या हुआ? क्या हो गया, इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इस तरह सांस लेने में बहुत मुश्किल होगी। मैंने कहा था कि तुम अगर हवा होती तो मैं सांस लेने में। सामान संभाल के बात करो, बस थोड़ा सा टाइम बचा है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तुमको बर्दाश्त करते करते थक गई हूँ, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है तुम्हारे साथ। अच्छा तो अब मेरे साथ तुम्हें सांस लेना भी मुश्किल हो गया है? अरे रुक जाएं नफीस भाभी, कल आप चली जाएंगी, बात कर लें आप लोग। हाँ ये लड़का सही कह रहे हैं, कल तो इन साहिबा की जान छूटने वाली, तो फिर इन्हें किस बात का गम होगा? मैं बताऊं किस बात का गम रहता है, तुमने मुझे एक उम्मीद दिला दी थी पर वो उम्मीद भी मुझसे छिन गई है, इस बात का अफसोस। आइंदा ऐसी बात कभी मत कहना, तुमने जीना सिखाया मुझे, सिर्फ मेरे बेटे को ही नहीं बराक की बहन को भी ले आए।
यह नहीं कह सकता कि बराक और शैलिंग आ चुकी है। इस वीकेंड पे ईद के साथ ही आएगी। विदात के साथ मुआहिदा है। किस बात का? वो वीडियो देखी है ना जिसमें विदात ने तुम्हारे भाई को मारने का इतराफ किया था, वही यूज किए। वो वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई? मुस्तफा भाई ने तो मना कर दिया था, तुम्हारी जान बचाने के लिए छुपा रहे थे वो। उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं छुपाया था। ताहिर, मैं अपने भाई को खो चुकी हूँ, अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। प्लीज वो वीडियो पुलिस को मत देना, अपनी जान की हिफाजत करो, क्योंकि वो तुम्हारी जान की जमानत है। मुस्तफा कलीली, ये तुम कह रही हो? आराम से, तुम इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकते, बुरा होगा। मुझे अपने साथ बुरा करने की आदत सी है। पागल हो, चलो ईद के पास चले, वैसे भी 2 दिन ही बचे हैं। क्या कर रहे हो तुम? इधर तो आओ मेरी शहजादे। तुम भी किसी शहजादी से कम नहीं हो।